अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ नूर फातिमा कुरैशी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। कतर से रवाबित को मौसल स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में बदलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं दौरा कतर के मौके पर कारोबारी बिरादरी से मुलाकातों में उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों के बारे में आगाह करूँगा। खातून जज को धमकी पर इमरान खान को शोकाज नोटिस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलब कर लिया गया। पुलिस का पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। एक सैटेलाइट फोन और एक अदद पिस्तौल बरामद। शहबाज गिल कहते हैं ये मेरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर किसी ने बलदियाती इंतखाबात में रुकावट डालने की कोशिश की तो जमात इस्लामी भरपूर मज़ाहमत करेगी। हाफिज नईम कहते हैं बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे के खिलाफ अदालत जाएंगे। वजीर आला पंजाब का सूबे भर में असलह की नुमाइश करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैक डाउन का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही ने आई जी पंजाब को असलह की नुमाइश करने पर बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo, or mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim, or saaf. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौरा कतर से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे की फ़ज़ा मज़ीद बेहतर होगी। दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि हम अपने तारीखी दो तरफा रवाबित को और भी ज्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बदलना चाहते हैं। दौरे कतर के मौके पर कारोबारी बिरादरी से मुलाकातों में उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके के बारे में आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि दौरे के तनाजर को समझना अहम है। कोरोना वबा के बाद दुनिया मुआशी सुस्त रवि से बहाली की तरफ जा रही है। जियोपॉलिटिकल कशीदगियों ने तलब और रसद का अमल मुतासिर और तवानाई खुराक की कीमतों में इजाफे ने मजीद मसाइल पैदा किए हैं। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए तआवुन की नई राहें तलाश करना होंगी। दरी असना वजीर आज़म शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर कतर रवाना हो गए। दौरे के दौरान दोनों ममालिक में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे होंगे। दोहा में फुटबॉल स्टेडियम का दौरा भी शेड्यूल है। शहबाज शरीफ को दौरे के दौरान फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए मुआवनत फराहम करेगा। खातून जज को धमकी पर तोहिन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी करते हुए उन्हें 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। खातून जज को धमकी पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी करते हुए
उन्हें 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की, जबकि बकिया 2 जजेस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 से जायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच भी तश्कील करने का फैसला कर लिया, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी अदालती मौबनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम से ऐसे बयान की तवक्को नहीं। खातून जज से मुतालिक इमरान खान का बयान बहुत ज्यादा नामुनासिब है, जबकि इमरान खान अदलिया पुलिस और सरकारी मुलाजमीन सबको धमकियां दे रहे हैं। समाज से कबल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि इमरान खान के वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, इसलिए इमरान खान के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर दिए बयानात की वीडियोस भी रिकॉर्ड पर लाने की इजाजत दी जाए। मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत के लिए ये बयानात फैसला करने में मददगार साबित होंगे। इमरान खान के अदलिया मुतालिक बयानात को कमरे अदालत में चलाने की इजाज़त दी जाए। पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे से बरामद पिस्तौल का मुकदमा दर्ज कर लिया। बरामद होने वाली लाल रंग की डायरी से शहबाज गिल ने लातालुकी का इजहार कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजिस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा। इस हवाले से बताया गया कि एसएसपी की सरबराही में पुलिस ने शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा, जहां से शहबाज गिल के कमरे से एक पिस्तौल बरामद हुआ है। पुलिस शहबाज गिल को भी हथकड़ियों में लाई थी। पुलिस के मुताबिक कमरे से एक पिस्तौल और मोबाइल फोन मिले हैं। पिस्तौल से मुतालिक शहबाज गिल ने बताया कि ये पिस्तौल मेरा नहीं है। इलावा अजीज इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कमरे से एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल के दूसरे कमरे से एक सैटेलाइट फोन भी मिला है। छापे के दौरान पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर मौजूद थी। दूसरी जानिब पुलिस ने कहा है कि पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे से बरामद पिस्तौल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इलावा अजीब पुलिस को एक लाल रंग की डायरी भी मिली, लेकिन शहबाज गिल ने डायरी से मुतालिक ला तालुकी जाहिर की। उन्होंने कहा ये डायरी मेरी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर्रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी के इंतखाबी मुहिम से डर कर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश हो रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 28 अगस्त को कराची में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ब्लैक मेलर्स का आलाकार ना बने, अंदरून सिंध को जवाज बनाकर कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करना गलत है। 2.5 साल से बल्दियाती इंतखाबात में जानबूझ कर ताखीर की जा रही है। आखिर बल्दियाती इंतखाबात से किसको तकलीफ है। इदारा नूरे हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का ये भी कहना था कि के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना दूभर कर दिया है। तमाम पार्टियां के इलेक्ट्रिक की सपोर्टर हैं। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक से 25 अरब वापस दिलवाए। नून लीग ने के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया। बाइको कंपनी का इफ्तिताह नवाज शरीफ ने किया, जो कि इलेक्ट्रिक की सहूलतकार है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का धंधा किया जा रहा है। हाफिज नईम का मजीद कहना था कि नून लीग और पीपी के इलेक्ट्रिक के सरपरस्त हैं। गरीब आदमी जिसका बिल 2000 बनता था, फ्यूल एडजस्टमेंट लगाकर उसका बिल 4000 से भी ज्यादा बन रहा है। जिसका 4000 का बिल था, उसका बिल 11000 बन रहा है। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ है। वफाकी हुकूमत IMF के कहने पर बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिल्स के नाम पर लूट मार जारी है। हुकूमत अय्याशियां खत्म नहीं हो रही और गरीब आदमी बर्बाद होता जा रहा है। इनकम टैक्स बिजली के बिलों में कहां से आ गया। जब वफाक के इलेक्ट्रिक को फ्री बिजली दे रहा है, तो हमें क्यों लाखों के बिल मिल रहे हैं। किस कानून के तहत लोड शेडिंग कराची में हो रही है। गोया के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का शैतानी इत्तेहाद है इस वक्त, शैतानी इत्तेहाद जो कराची के आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। और यही हालात अब अदर देन कराची भी पूरे मुल्क में शुरू कर रहे हैं। एक मिसाल बना दिया इन्होंने, एक शैतानी किस्म की मिसाल के इलेक्ट्रिक है, जिसको बनाकर अब पूरे पाकिस्तान में लूटमार का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो भाई, तुम बड़े बड़े जागीरदारों से टैक्स लेते नहीं हो, तुम अपनी अय्याशियों को ख़त्म करते नहीं हो। बताएं ना मिफ्ता इस्माइल, ये इतना आप कहते हैं हम पर प्रेशर है, 70 अरब रुपये के मजीद टैक्स लगा दिए, जरा बताएं ना इन्होंने अपनी गाड़ियों को कितना कम किया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے آئی جی پنجاب کو اسلحے کی نمائش کرنے پر بلا تفریق کارروائی کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسلحے کی نمائش پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ایسے عناصر کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے، صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ایسے عناصر کا اہنی ہاتھوں سے قلعہ قمع کرنا ہے۔ قبل ازی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری سے گجرات سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں رکن قومی اسمبلی سید فیض الحسن، اراکین پنجاب اسمبلی محمد ارشد چودھری، شجاعت نواز، محمد عبداللہ وڑائج، سلیم سرور جوڑا، محمد اختر حیات اور چودھری لیاقت علی شامل تھے۔ اراکین اسمبلی نے اسلحے کی نمائش کے خلاف ایکشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے فیصلے کو سراہا۔ اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ آپ کا یہ فیصلہ صوبے میں امن عامہ کی فضا قائم رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہر لمحہ قیمتی ہے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہر کام کر گزریں گے۔ نون لیگ کے دور میں عوامی فلاح بہبود کے منصوبوں کو پسے پشت میں ڈالا گیا، عوامی خدمت کے کاموں کو جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے شروع کر دیا ہے۔ گجرات والے ساتھ نبھانا جانتے ہیں۔ 2 ستمبر کو جلسہ عام میں گجرات کے لوگ عمران خان کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا نوٹیفیکیشن بٹن۔